अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वेव लाइव के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कराची मलीर से रिपोर्ट हाकिम मेमन वेव्स नू के मुताबिक गुलशन हदीद फेज टू के यूसी चेयरमैन राव सफदर और वासा चेयरमैन अब्बास तालपर के खिलाफ नौजवान इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहरा। नौजवान इत्तेहाद और फुटबॉल के खिलाड़ियों ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे। बल्दियाती इलेक्शन से कबल चेयरमैन राव सफदर और अब्बास तालपर ने वोट लेने के लिए फुटबॉल ग्राउंड बनाने का वादा किया था, वो हमारा फोन भी अटेंड नहीं करते। मजायरीन नाहल यूसी चेयरमैन राव सफदर और वासा चेयरमैन अब्बास तालपर झूठे वादे और फरेबी नारों के चैंपियन हैं। मुजाहिरीन गुलशन हदीद फेज टू में पीपल्स पार्टी की शिकस्त के जिम्मेदार भी चेयरमैन और वासा चेयरमैन हैं। मुजाहिरीन राव सफदर और अब्बास तालपर की वजह से पूरी यूसी में गटर उबल रहे और गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मुजाहिरा करने वाले नौजवान एमएनए जाम अब्दुल करीम, साजिद जोखियो और सलमान अब्दुल्ला मुराद दोनों नाहलवन को फौरी हटाएं और हदीब की आवाम पर रहम करें। मजाहरीनागर फुटबॉल ग्राउंड नहीं बना तो अगले हफ्ते फिर राव सफदर और अब्बास तालपर के खिलाफ एहतजाज होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ पेज लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके।